কথা কইছিলাম তো বদলুক তো স্যার একটু হ্যাঁ ব্যস্ততা আছে লিয়ে কইতেছে লোকগুলো সব বলি হ বলি হ খাবার নাই দুটার এনে খাইতে আছি আর বাইরে দুধ লিয়ে বাসাবে দুধ পোলা ফান লিয়ে পিটাইতে আছে সিআরপি আর বাইরে হইতে দে না গরু খাবার নেই গরু সুখ হচ্ছে মরতে আছে কেমনে বাঁচত বাঁচত তো মরণে পন্থ হয়ে গেছে তারপরে তো মরতে আসি কই ব্যবস্থা নাই এখন এখন কি চাইতেছেন আপনারা আমি চাইতে ব্যবস্থা চাইতে আসি দুধ আমার বিক্রি হইতে চাই গরু বাসনা বাচ্চা থাকতে সে ব্যবস্থা থাকতে আসি আমি কি মরবো পোলা পান দুটা আছে চারটা আছে মরবো এখন খাবার লাগে কেমনে জিতাইতাম কেমনে কিছু করতে পারতাম বস্তি কো হালত বহুত বুড়া হ্যাঁ করোনা সে তো মরেগা থোড়া দের বাদ লেকিন খানে বিনা পহলে মর যায়গা করোনা সে পহলে মর যায়গা কিস লিয়ে হ্যাঁ খানে বিনা না গায় কা ব্যবস্থা হ্যাঁ না আদমি কা কোই ব্যবস্থা দুধ লেকে নি যা সকতে বেচানো ওই যে কোন দুধ না বিক্রি হয় দুধ লেকে নি যা সকতে কে রাস নাই জানে নাই দেতা হ্যায় কাছে লে যায়গা কে কা নেতা নাই জানে ভি নাই দেতা হ্যায় পুলিশ দুসরা নম্বর হ্যায় মিঠাই দোকান বন্ধ রাখা জানে সে মারতা হ্যায় দুধ লেকে রোড পর নিকলতা হ্যায় পিটনা শুরু কর দেতা হ্যায় কাহা যায়গা तो राज्य सरकार से क्या कहना चाहते हैं सरकार से क्या राज्य सरकार से हम यही कहना चाहता हूं कि हम लोग को कोई व्यवस्था करे हम लोग सुख सुविधा में अपना अपना घर में बंद रखे को नहीं मिठाई दुकान बंद है हम लोग को डायरी को व्यवस्था कर दिया जाए घर घर में कैसे रहेंगे ना बिना खा के घर में सह के घर में बीमारी है बीमारी से कैसे मरेंगे बीमारी से तो मरे बच्चा लोग सब भूखे मर जाएंगे गोरु बछर भूखे मर जाएंगे छह महीने रह सकते हैं बाकी हम लोग के व्यवस्था कैसे रहेंगे अभी गाय के दाना नहीं है कोई चीज भूसी नहीं मिलता करके दूध ले रहा था मिठाई दुकान अभी बोला 20 रुपया करके 30 रुपया करके होने से दे दो दूध नहीं तो अपना घर में रखो यही हालत है हालत बहुत खराब चल रहा है गाय का पेट नहीं भरने सकता 10 रुपया करके दूध 20 रुपया करके बेच करके 1200-1300 रुपया करके गाय का चारा ला के खिलाने रास्ते पे बाहर हो सकते हो क्या दूध लेके रास्ते पे बाहर हो नहीं टी एस लोग पिटने लगता है नहीं जाने देता है हवा खुल देता है साइकिल का यही हालत हुआ यार दूध कोई लेना रहे मिठाई दुकान भी नहीं खुल रहा है ऐसे में तो दूध वाला मर रहा है 10 रुपए चलिए बोल देने से बाहर का भी पार्टी आके ले जा रहा है लेकिन हम लोग जाते हैं तो अत्याचार हो रहा है ना बोला है दुकान वाला भी बोला है कि दुकान नहीं खुल पाएंगे कुछ कैसे बेचा भी क्यों होगा ऐसे में तो मर रहा है दूध वाला सब सामान का ठीक ही दाम है सिर्फ दूध ही का दाम कम गया लॉकडाउन में और तो कोई सामान का मैं अभी तक नहीं देखा हूँ दाम कम आए अभी तो इधर का आदमी लोग मर रहा है रास्ते पे जा सकते हो क्या ये दूध लेने नहीं वो भी नहीं हो पा रहा है क्या क्या हो रहा है मारने दूर लेने लगता है कोई दूध नहीं सरकार तो बोल कर रखा है नरेंद्र मोदी सर बोल कर रखा है ये सीएम साहब भी बोल कर रखा है कि दूध के लिए या दाना के लिए लॉकडाउन नहीं रहेगा ला पाएगा उसमें भी ये हो रहा है दूध कोई ना ले दुकान भी नहीं खुल रहा है।